इधर की तरफ मूव कर, कर रहे हैं और दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं वी नॉट से तो इसका मतलब है कि स्प्रिंग में किसी भी तरीके का लेंथ में चेंज नहीं आएगा स्प्रिंग में कोई एक्सटेंशन कंप्रेशन नहीं आएगा क्योंकि ये भी उसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है ये भी उसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इन दोनों के बीच में देर इज़ नो गैप क्रिएटेड कोई भी गैप इनके बीच में क्रिएट नहीं होगा दोनों की वेलोसिटीज़ अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम यानी कि वेलोसिटीज ऑफ सेपरेशन या वेलासटी अप्रोच जीरो यहाँ पर एग्जैक्टली exactly उसी तरीके से यहाँ पर भी है कि इनके बीच में भी जो डिस्टेंस है वो चेंज हो नहीं रहा है तो इसका मतलब कि स्प्रिंग की लेंथ कॉन्सेंट रहेगी या स्प्रिंग हमेशा यहाँ पर आप नेचुरल लेंथ में मान सकते हो यहाँ पर कोलिजन जब होता है यहाँ पे तो जस्ट जब कोलिजन होगा तो मैं इनको जैसे यहाँ पे नाम देता हूँ कि सपोज दिस बॉल इज़ ए एंड दिस बॉल इज़ बी सपोज दिस बॉल इज़ लेट्स से सी एंड दिस इज डी तो ऑबियस है कि ए और सी बॉल का आपस में यहाँ पे कोलिजन होगा तो कोलिजन हुआ यहाँ पर ए और सी बॉल का So तो जस्ट बिफोर कोलिजन इट इज मूविंग विद वी नॉट एंड दिस इज ऑल्सो मूविंग विद वी नॉट और मासेज क्योंकि इक्वल है यहाँ पर तो इलास्टिक कोलिजन इक्वल मासेज तो वेलासिटीज इंटरचेंज हो जाती हैं तो वेलासिटीज ऑफ ए एंड सी विल इंटरचेंज विल बी इंटरचेंज तो ये रिजल्ट हमें डायरेक्टली याद होना चाहिए कब होता है यहाँ पर ऐसा वैन इलास्टिक कोलिजन बिटवीन टू इक्वल मासेस। जब ऐसा होता है तो वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती हैं तो ए और सी की जो वेलोसिटीज हैं वो इंटरचेंज हो जाएंगी तो ए जो है इसके बाद में इट विल मूव लाइक दिस विद वी नॉट और जो सी है ये मूव करेगा वी नॉट से और दोनों सेपरेट हो जाएंगे व्हाट अबाउट बी एंड डी बी एंड डी का क्या होगा बी वीन ऑड से चल रहा था कॉलिजन के पहले ये वीन ऑड से चल रहा था इधर कॉलिजन के पहले तो बीच में जो स्प्रिंग है स्प्रिंग में वैसे भी पहले कोई फोर्स नहीं था और अगर इवन फोर्स होता भी तो स्प्रिंग के फोर्सेस नॉन इम्पल्सिव कैरेक्टर के होते हैं और वो फटाफट किसी तरीके का ज़्यादा इंपल्स क्रिएट नहीं कर सकते हैं यानी कि बहुत छोटे से ड्यूरेशन जो कि डी टाइम का ड्यूरेशन होता है कोलिजन का उसमें ये कोई बहुत बड़ा इम्पल्स क्रिएट नहीं कर सकते हैं तो अगर ये कोई बहुत बड़ा इंपल्स क्रिएट नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पर स्प्रिंग का एक तरीके से रोल अभी फिलहाल है ही नहीं यहाँ पर स्प्रिंग ने या आप मान के चलो कि स्प्रिंग ने कोई फोर्स लगाया ही नहीं तो इसके जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी ऑलमोस्ट एज इट इज़ रहेगी तो जो बी है उस बी को अब यहाँ पर दिखाता हूँ इसमें तो बी जैसे कोलिजन के पहले मूव कर रहा था कोलिजन के जस्ट बाद भी बी का मूवमेंट एज इट इज़ रहेगा इसी तरीके से जो डी है उस डी का मूवमेंट भी एज इट इज़ रहेगा कोलिजन के जस्ट बाद भी तो ये जो डायग्राम है दिस इज़ जस्ट आफ्टर द कोलिजन जस्ट आफ्टर कोलिज तो अगर इंडिविजुअली अब इनको देखा जाए तो ये जो डंबल है इसमें पहले तो दोनों एक ही डायरेक्शन मूव कर रहे थे लेकिन अब दोनों की वेलास्टीज तो इक्वल है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है मैगटोडवाइज इक्वल लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में वही यहाँ पर भी हो रहा है दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं तो यहाँ पर भी दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं यहाँ भी दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं तो कुछ समय तक दोनों इंडिपेंडेंटली यहाँ पर मूव करेंगे इसमें तो यहाँ पर अब इंडिपेंडेंट इनके मूवमेंट्स हो रहे हैं जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन पे भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें कैलकुलेट क्या करना है यहाँ पे तो वी हैव टू कैलकुलेट की डिस्टेंस यानी कि ये जो इंस्टेंट दिया गया इस इंस्टेंट के बाद में जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में वो एल यहाँ पर वापस से कब होगा ये हमें कैलकुलेट करना है तो पहले तो ये देख लेते हैं कि जो इंस्टेंट दिया गया था तो यहाँ तक जो हम लोग पहुँचे जो कॉलेजन हुई तो कॉलेजन तक का ये जो सारा यहाँ पर टाइम था लट से जो कॉलेजन होता है वो किसी टी इज़ इक्वल टू लट से टी वन पे होता है तो ये जो टाइम है टी वन ये टाइम टी यू जी कोलो जीरो बोल देते हैं तो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है वो कितना है यहाँ पर इसमें क्या नहीं कि टाइम कॉलेजन होने में कितना टाइम लगेगा जस्ट वो निकालना है हमको इसमें तो दोनों कॉन्स्टेंट वेलासटी चल रहे होंगे एक तरीके से ये भी एल बाई टू चलेगा और ये भी एल बाई टू चलेगा या फिर आप इसमें रिलेटिव से देख लो कि अगर इसको रोक दिया जाए तो इसकी वेलोसिटी फिर टू विनॉट हो जाएगी यहाँ पे तो कितना टाइम लगेगा एल डिस्टेंस कवर करने में तो जो टीवन है यहाँ पर वो टीवन यहाँ पर हो जाएगा एल डिवाइडेड बाई टू विनोट तो या तो आप समझो कि एक जो बॉल यहाँ पे वो एल बाई टू चलेगा तो एल बाई टू डिवाइड बाई वेलोसिटी या फिर आप रिलेटिव से देख लो कि एक को रोक दिया जाए तो दूसरा एल चलेगा और उसके रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी टू वी नोट तो ये हो गया यहाँ तक का कोलिजन तक का टाइम हो गया अब कोलिजन के बाद क्या हो रहा है जरा उसको एनालिसिस करते हैं उसका तो ए और बी ये एक दूसरे की तरफ चल रहे है जैसा ए और बी करेंगे बिल्कुल वैसा सी और डी करेंगे दोनों बिल्कुल सिमेट्रिकली यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है तो ए और बी के लिए देखते हैं तो यहाँ पर ये इधर चलेगा ये इधर चलेगा और इनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी क्योंकि स्प्रिंग में कंप्रेशन आएगा कंप्रेशन से स्प्रिंग जो है इन पर आउटवर्ड डायरेक्शन में ऐसे फोर्सेस लगाएगी स्प्रिंग की वजह से तो अल्टीमेटली यहाँ पर ये कभी ना कभी रुक जाएंगे तो इसके बाद एक सिनेरियो ऐसा आएगा कि ये जो दोनों हैं इन दोनों की वेलोसिटीज़ जो हैं वो जीरो हो गई हैं और सारी जो एनर्जी है वो इस स्प्रिंग में आ चुकी है यहाँ पर <coughs> और इसी तरीके से सी और डी का भी आप देख सकते हो कि सी और डी तो स्प्रिंग कंप्रेस हो गई होगी मैक्सिमम जहाँ तक होना था और दोनों की वेलोसिटीज जीरो हो गई होंगी यहाँ पे मैं ये कैसे बोल पा रहा हूँ कि दोनों की वेलोसिटीज साइमल्टेनियसली एक साथ जीरो हो गई होगी तो एक तो जो सिमेट्री है प्रॉब्लम की वो हमें बता रही है कि यहाँ पर ऐसा होना चाहिए और उसके साथ साथ मुझे दिख रहा है कि कॉलेजन के बाद अब सिंपली बस अब इसको देखो आप कॉलेजन के बाद की सिचुएशन को देखो जितना मोमेंटम इसका है पॉजिटिव एम वी नॉट उतना ही नेगेटिव मोमेंटम इसके पास में है इस डायरेक्शन में तो इसका मतलब है कि नेट मोमेंटम जीरो है सिस्टम पे किसी तरीके का नेट एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर नहीं है मैं कलजन के बाद की बात कर रहा हूँ तो सिस्टम पे ए और बी के सिस्टम पे किसी भी तरीके का नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी एक तरीके से यहाँ पर कांस्टेंट रहेगी और कितनी रहेगी क्योंकि मोमेंटम जीरो है तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो हो गई तो सेंटर ऑफ मास इसका रेस्ट रेस्प रहेगा और ये सिस्टम बेसिकली यहाँ पर क्या कर रहा होगा ऑसोलेट कर रहा होगा तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी अगर जीरो है तो सिस्टम का मोमेंटम जीरो है मोमेंटम कंजर्व रहेगा आप हर तरीके की बातें इसके लिए बोल सकते हो तो अगर मान लीजिए एक रुक जाता है और एक नहीं रुकता है तो फिर तो मोमेंटम कंजर्वेशन का वायलेशन हो जाएगा इसमें तो अगर एक रुकता है तो दूसरे को भी रुकना पड़ेगा तभी यहाँ पर मोमेंटम हमेशा नेट जीरो रहेगा और कंजर्व रहेगा तो दोनों रुक गए यहाँ पर उसके बाद में ये वापस चल पड़ेंगे यानी कि अभी मैक्सिमम कंप्रेशन हो गया पर यहाँ पर इसमें उसके बाद क्योंकि फोर्स तो लगातार इधर लग रहा था इन पर तो ये वापस इधर की तरफ चल पड़ेंगे ये वापस उधर चल पड़ेगा बाई सिमेट्री हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि वापस से जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में अपनी आएगी यहाँ पर तो स्प्रिंग में जितनी एनर्जी स्टोर हुई थी वो वापस से कैनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी और अगेन आप देखोगे कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे दोनों के वी नॉट फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन वी कैन से कि सारी की सारी एनर्जी कैनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है और वो कैनेटिक एनर्जी कुछ इस तरीके की थी टू ऑफ हाफ एम वी नॉट स्क्वायर तो वो कन्वर्ट हुआ यहाँ पर पहले स्प्रिंग एनर्जी में और अगेन वापस वही कन्वर्ट हो गया यहाँ पर इसमें कैनेडा एनर्जी में तो ऑबियस कि जो स्पीड या वेलोसिटी है वो वापस से नॉट के बराबर ही हो जानी चाहिए अगेन इसका भी ऐसा ही होगा <सथ> तो ये वापस से यहाँ पर नेचुरल लेंथ में आएंगे और नेचुरल लेंथ में आने के बाद में जो वेलोसिटीज़ हैं वो वेलोसिटीज़ है अपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से यहाँ पर ही नॉट हो जाएंगे तो नेचुरल लेंथ में ये वापस से यहाँ पर आ चुके हैं अगेन इनके बीच में यहाँ पर कोलिजन होगा लेकिन अब हमें यहाँ पर देख लेना है कि अब ये कोलिजन होने से पहले तक का कितना टाइम यहाँ पर लगा यानी कि कोलिजन हुआ कोलिजन के बाद ये सिचुएशन आई और ये सिचुएशन के बाद वापस से ये सिचुएशन आई यहाँ पर तो कितना टाइम और गुजर गया इसके लिए आपको इसका टाइम पीरियड वगैरह क्योंकि मैंने बताया कि यहाँ पर ये यह जो सिस्टम है ये एस करेगा ये सिस्टम एस करेगा यहाँ पर और अगर टू बॉडीज़ इस तरीके की, की होती है एम वन आपस में कनेक्टेड और ये ऑसलेसेशन अगर करते हैं यहाँ पे तो इस ऑसलेशन का जो टाइम पीरियड है ये ब्लॉक्स की तरह आप मान के चलो ये ब्लॉक वाले मोशन है कोई रोलिंग और इस तरह की चीज़ें नहीं है तो अगर ये ब्लॉक दो कनेक्टेड हैं आपस में और स्प्रिंग से कनेक्टेड है तो इनका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है टू अंडर रूट म्यू बाई के म्यू इज रिड्यूस्ड मास तो ये हो जाता है टू पाई अंडर रूट रिड्यूस्ड मास हो जाता है एम वन एम टू डिड बाई एम वन प्लस एम टू तो ये सिस्टम का टाइम पीरियड होता है तो इस क्वेश्चन को करने के लिए ये रिक्वायरमेंट है कि आपको ये डायरेक्टली याद होना चाहिए और वैसे बहुत ही पॉपुलर है ये याद होता है जनरली सभी को तो जिन लोगों को ये पता नहीं है उनके लिए मैं एट द एंड ऑफ द प्रॉब्लम प्रॉब्लम करने के बाद में इसका एक डेरिवेशन कर दूंगा इन शॉर्ट तो उससे आप देख लेना कि ये कैसे आता है तो फिलहाल अभी यहाँ पर इसको देख लेते हैं <coughs> तो इसमें यहाँ पर मैं इसका यूज़ करने वाला हूँ दोनों मासज़ इक्वल हैं तो मासेज इक्वल है तो, तो म्यू जो है वो एम बाई टू के बराबर आ जाएगा और इसका जो टाइम पीरियड होगा टाइम पीरियड विल बी टू पाई अंडर रूट एम बाई टू ये तो म्यू हो जाएगा रिड्यूस्ड मास डिवाइड बाई के तो ये इसका टाइम पीरियड है अब देखिए उस टाइम पीरियड को मैं यहाँ पे कैसे यूज़ करूँगा तो पहले यहाँ पर नेचुरल लेंथ में थी स्प्रिंग और वेलोसिटीज इनके मैक्सिमम थी तो एक तरीके से यहाँ पर आप बोल सकते हो कि ये भी अपनी मेन पोजिशन पर था और ये भी अपनी मेन पोजिशन पर था दोनों इंडिविजुअली मेन पोजिशन पर थे फिर उसके बाद में इधर चलना शुरू करता है इधर चलना शुरू करता है और अल्टीमेटली रुक जाते हैं तो ये एक्सट्रीम पे पहुंच जाता है तो मीन से एक्सट्रीम तक की जो जर्नी होती है वो किसी भी एस में उसमें जो टाइम लगता है वो पूरे टाइम पीरियड का वन फोर्थ होता है ठीक है तो इसका मतलब टी बाई फोर टाइम गुजर जाएगा तो यहाँ से लेके कर यहाँ तक आने में टी बाई फोर का टाइम गुजर गया फिर उसके बाद में ये एक्सट्रीम पे आ गए मीन से एक्सट्रीम पर आ गए फिर एक्सट्रीम से वापस मीन पर आ जाएँ क्योंकि स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में यहाँ पर आ चुकी है वापस से टी बाई का टाइम गुजर जाएगा जब आप एक्सट्रीम से मीन तक जाते हो तो इसका मतलब ये जो सारा यहाँ प्रोसेस है यहाँ पर वो कितना टाइम ले लेगा ले यहाँ पर टी बाई फोर प्लस टी बाई फोर टी बाई टू तो अगर हम स्टार्टिंग से टाइम काउंट कर रहे हैं तो ये टाइम हो गया उसके बाद में फिर ये टाइम हो गया उसके बाद फिर ये टाइम हो गया लेकिन अभी यहाँ पर क्वेश्चन कम्प्लीट नहीं हुआ है अगेन वापस आप इस कॉलिजन कराओ कॉलीजन कराने के बाद में देखो क्या होता है तो कॉलीजन जब कराए तो अगेन जो वेलोसिटीज़ हैं वो रिवर्स हो जाएंगे एक दूसरे को इंटरचेंज हो जाएंगे यहाँ पर तो ये जो वेलोसिटी है वो इसको मिल जाएगी और ए की वेलोसिटी सी को मिल जाएगी यहाँ पर इट विल गो लाइक दिस बी और डी को जैसे मैं हमने ऊपर डिस्कस किया वैसे यहाँ पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कॉलिजन जब हो रहा है यहाँ पे तो बहुत कम टाइम ड्यूरेशन है और स्प्रिंग फोर्स अगर है भी तो वो नॉन इम्पल्सिव है नॉन इम्पल्सिव का मतलब कि वो बहुत छोटे से टाइम में मोमेंटम वगैरह में कुछ खास चेंजेस क्रिएट नहीं कर सकता है तो इसके मोमेंटम में कुछ खास चेंज नहीं आएगा क्योंकि वो स्प्रिंग से कनेक्टेड है तो यहाँ पर यह अभी भी उसी विलोसिटी वीनोट से मूव कर रहा होगा यह अभी भी उसी विलासिटी विनोट से मूव कर रहा होगा जो जस्ट बिफोर कॉलिजन थी तो अगेन इसका मतलब दोनों एक डायरेक्शन में चल पड़ेंगे स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में रहेगी यहाँ पर तो इसी तरीके से लगातार घूम चलते चले जाएंगे इसी तरीके से लगातार यहाँ पर चलते चले जाएंगे तो एक तरीके से जो हमें इनिशियल कंडीशन मिली थी बस कोलिजन के बाद में क्या हो रहा है कि ये जो सारा सिस्टम है सी और डी का वो सारा सिस्टम ट्रांसफ़र हो गया ए और बी के पास और ए और बी का जो सारा सिस्टम था वेलोसिटी जो भी थी इसके पास में जो प्रॉपर्टी थी ए और बी की वो सारे ट्रांसफ़र होकर सी और डी के पास में आ गई है और क्योंकि इनका मोशन अब इस तरीके से हो रहा है तो कभी फिर मिलेंगे नहीं यहाँ पर ये यह। तो अभी यहाँ पर जीरो डिस्टेंस है दोनों के बीच में और फिर यहाँ पर एल डिस्टेंस होने में कितना टाइम लगेगा तो अगेन कॉन्स्टेंट स्पीड कॉन्स्टेंट वेलोसिटी का केस हो जाएगा और रिलेटिव निकाल कर आप बोल सकते हो टू नॉट से ये सेपरेट हो रहा होगा और कितना डिस्टेंस क्रिएट करना है एल तो जैसे हमने ऊपर ये टाइम निकाला है बिल्कुल वैसे ही ये वाला हो जाएगा तो ये कॉलेजन हुआ कॉलेजन के बाद <coughs> बाद में ये जो एल डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है उसमें जो टाइम लगेगा वापस से कितना लग जाएगा एल डिवाइड बाई टू वी नॉट तो टोटल टाइम की कैलकुलेशन अगर हम कर लें तो एल बाई टू वी नोट दो बार आ रहा है यहाँ पर इसमें तो इट विल बी एल बाई वी नॉट टी बाई फोर दो बार आ रहा है तो इट विल बी टी बाई टू आप यहाँ से अगेन इसको देख सकते हो तो एल बाई वी नॉट प्लस टी बाई टू जो है वो यहाँ से हो जाएगा पाई अंडर उट एम डिवाइड बाई टू के तो ये इसका आंसर होगा कि एल डिस्टेंस वापस से कब आएगा तो इस प्रॉब्लम में मैंने यहाँ पे जो दो ब्लॉक और स्प्रिंग का सिस्टम होता है उसके लिए जो टाइम पीरियड होता है वो डायरेक्टली यूज़ कर लिया था और अगर इस तरह के क्वेश्चनस आते हैं तो डेफ़िनेटली हमें डायरेक्टली उसका आंसर पता होना चाहिए लेकिन अगर पता नहीं है तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको मैं एक बार यहाँ पर स्ट्रेट कर रहा हूँ सपोज मैंने यहाँ पर मोशन कुछ इस तरीके से इसमें इंड्यूस करवाया है कि दोनों ब्लॉक्स को यहाँ पुल कर लिया गया है पुल करने के बाद में उनको रेस से रिलीज़ कर दिया गया है और एल नॉट जो है सपोज़ वो नेचुरल लेंथ है इस स्प्रिंग की और उसमें कुछ एक्सटेंशन क्रिएट करके इसको छोड़ दिया गया तो छोड़ने के बाद में हमें बस यहाँ पर अब ये देखना होगा कि किसी पे भी जो फोर्सेस हैं वो उसके जो भी डिस्प्लेसमेंट्स हैं डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं यहाँ पर और है कि जब नेचुरल लेंथ पे यहाँ पर होंगे ब्लॉक्स तो उस टाइम पर ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में होने की वजह से इन पर कोई फोर्स लगेगा नहीं तो वो मेन पोजिशन होगी तो जो नेचुरल लेंथ की जो मैंने यहाँ पर ये बाउंड्रीज दिखा रखी हैं वो इनके लिए एक तरीके से मीन पोजिशन का काम कर रहे हैं दिज आर द मीन पोजिशन ऑफ दी रिस्पेक्टिव ब्लॉक्स तो ऐसा करते हैं यहाँ पे कि जब ये मीन पोजिशन से सपोज़ x1 के डिस्प्लेसमेंट पर है और सपोज़ यहाँ पर ये जब ये मीन पोजिशन से लाइट से x2 के डिस्प्लेसमेंट पर है तो मैं इन पर फोर्सेज देखता हूँ कि फोर्सेज यहाँ पे कैसे लग रहे होंगे तो किसी भी एक ब्लॉक को मैं स्टडी कर लेता हूँ सपोज़ मैं m1 को स्टडी कर लेता हूँ यहाँ पे तो m1 पे जो फोर्स लग रहा होगा यहाँ पे वो हो जाएगा स्प्रिंग कांस्टेंट अगर के है और इसमें एक्सटेंशन टोटल कितना हो जाएगा एक्स वन प्लस एक्स टू तो ये फोर्स आपको देखिएगा किस डायरेक्शन में लग रहा है और टू वर्ड्स मेन पोजिशन लग रहा है यहाँ पर लेकिन अब ये फोर्स जो होना चाहिए था वो एक्स वन के परपोशन आना चाहिए था लेकिन इसमें एक्स वन प्लस एक्स टू यहाँ पर दोनों क्वान्टिटीज़ आ रही हैं तो अगर ये दोनों क्वान्टिटीज़ यहाँ पर इसमें आ रही हैं तो उस केस में फिर हमें एक्स टू को हटाना पड़ेगा इसमें तो इसमें यहाँ पर यह है कि सिस्टम में इनिशियली कोई वेलोसिटी नहीं थी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इनिशियली जीरो थी यहाँ पर इनिशियल और क्योंकि सिस्टम पे कोई नेट फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन और सेंटर ऑफ मास भी जीरो है और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इसका मतलब कांस्टेंट रहेगी और हमेशा जीरो रहेगा यहाँ पर ये तो सेंटर ऑफ मास विल नॉट मूव और सेंटर ऑफ मास अगर मूव नहीं कर रहा है तो किसी भी ड्यूरेशन में जो डिसप्लेसमेंट से इनके उनको आप रिलेट कर सकते हो तो सपोज में जब ये नेचुरल लेंस से एक्स वन इधर गया जब ये नेचुरल लेंस है एक्स टू इधर गया तो इनके डिस्प्लेसमेंट उस ड्यूरेशन में एक्स वन एक्स टू थे तो उनको मैं ऐसे रिलेट कर सकता हूँ एम वन एक्स वन इज़ इक्वल टू एम टू एक्स टू सेंटर ऑफ मास की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो पता होनी चाहिए तो एम वन एक्स वन इज़ इक्वल टू एम टू एक्स टू तो किसी ड्यूरेशन में इसका डिस्प्लेसमेंट अगर एक्स वन है नेचुरल लेंस से अगर एक्स वन गया है तो ये नेचुरल लेंस है एक्स टू के बराबर गया हुआ है यहाँ पर ये यह। <coughs> तो इस तरीके का यहाँ पर ये यह। अब इनको यूज़ करते हुए मैं यहाँ पर इसमें रिप्लेस कर देता हूँ तो के एक्स वन और एक्स टू की जगह पर आप रख सकते हो एम वन बाई एम टू इन एक्स वन तो यहाँ पे जो फोर्स है वो कुछ इस तरीके का आ जाएगा के वन प्लस एम वन बाई एम टू इंटू एक्स वन तो हमने जो इस पर लगने वाला फोर्स है उसको एक्स वन के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया है वेर एक्स वन इज़ डिसप्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मेन पोजिशन तो अब आप टाइम पीरियड लिख सकते हो यहाँ पे यूजिंग द स्टैंडर्ड रिजल्ट टू पाई एंड एम वन डिवाइडेड बाय अब इस x के साथ में क्या आ रहा है वो इसका कांस्टेंट हो जाएगा एस एम का कांस्टेंट तो k ऊपर हो जाएगा m1 वन प्लस एम और नीचे हो जाएगा m2 जो ऊपर पहुंच जाएगा तो आप देख सकते हो कि वही फार्मूला आ गया जो हमने डिस्कस कर रखा था यहाँ पर इसे को आप एक दूसरे मेथड से प्रूफ कर सकते हो कि जैसे ये दोनों मासज़ हैं सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं पर है सपोज़ और सेंटर ऑफ मास जो है यहाँ पर रेस्ट पर है जैसे हमने प्रीवियस मेथड में डिस्कस किया है यहाँ पर और सेंटर ऑफ मास के डिस्टेंस सपोज़ यहाँ से एल वन है यहाँ से एल टू है कुछ ऐसा तो एल वन को आप लिख सकते हो कि एम टू डिवाइड बाई दिस इन टू एल्व और एल टू आपको आप यहाँ पर यह लिख सकते हो तो कुछ ऐसा यहाँ पर इस तरीके का आप बोल सकते हो कि सेंटर ऑफ मास क्योंकि फिक्स है तो ऐसा लग रहा है कि ये जो ब्लॉक है वो इस स्प्रिंग के साथ जो कि यहाँ तक की स्प्रिंग है उसका एक एंड यहाँ पर इस वॉल के साथ ऐसा लग रहा है कि एक वॉल के साथ में कनेक्टेड है क्योंकि ये पॉइंट फिक्स है एक तरीके से तो एक सिंपल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का जो सें जो यहाँ पे टाइम पीरियड होता है वो सिंपली ये हो जाता है टी इज इक्ल टू पॉइंट ए रूट एम वन बाई के वन लेकिन आपको इतनी स्प्रिंग जो एलवन लेंथ की उसका स्प्रिंग कॉन्सटेंट निकालना पड़ेगा और इसके लिए होता है कि के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है तो आप यहाँ पर अगर इसके लिए के वन मानते हो तो के एल इज़ इक्वल टू क्या है कॉन्स्टेंट है एक तरीके से तो के वन एलवन इसके लिए अगर आप के टू मानते हो तो के टू एल टू और जो स्प्रिंग टोटल थी यहाँ पर उसका के था और उसके लेंथ एल थी तो यहाँ से अगर आप के वन निकालना चाहो तो के वन यहाँ पर हो जाएगा के एल बाई एलवन और एल बाई एलवन की वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट कर लो तो इट विल गिव एल बाई एलवन इज इक्वल टू एम वन प्लस एम टू डिवाइड बाई एम टू ये आ जाएगा इस केवन की वैल्यू को आप इसमें पुट कर लो उससे आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा टू पर एंडर रुट एम वन डिवाइडेड बाई दिस केवन एंड के वन इज़ के एम वन प्लस एम टू डिवाइडेड बाय एम टू तो उससे भी आपको वही आंसर मिल जाएगा तो जस्ट एक यहाँ पर ये एक ऑब्जर्वेशन टाइप का है जो कि आंसर सही दे रहा है हमें यहाँ पर इसमें और जो टाइम पीरियड यहाँ पर आ रहा है मैंने एम वन के लिए निकाला यहाँ पर भी और जो इससे पहले जो मैथड किया था उस मैथड में मैंने एम वन के लिए कैलकुलेट किया लेकिन जो आंसर हमें मिल रहा है वो आंसर कुछ ऐसा है जो सिमेट्रिक है तो हम बोल सकते हैं कि यही आंसर एम टू के लिए भी आएगा कई बार क्या होता है कि सिस्टम में सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर नहीं रहता कुछ ऐसे हम छोड़ते हैं यहाँ पर वेलोसिटी देकर के कि जो सेंटर ऑफ मास है वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है तो उस केस में ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो ऑब्वियस है कि ऑसोलेशन प्लस एक डायरेक्शन में मूवमेंट लगातार हो रहा है लेकिन अगर हम सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जब चले जाएँ तो फिर ऑसिलेशन बोल सकते हैं तो अगर सेंटर ऑफ मास एक डायरेक्शन मूव कर रहा है तो हम सेंटर ऑफ मास पर बैठ करके या सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में इनके एस को ऑब्जर्व कर सकता है और उसके लिए जो टाइम पीरियड आएगा वो टाइम पीरियड इतना ही होगा